को सिलेक्ट करेंगे, देखो ऐसे करके पहले सिलेक्ट कर लेंगे इस प्लान को, डब्ल्यू ब्लॉक्स इंटर, फिर पिक पॉइंट कहाँ पे रखेंगे, पिक पॉइंट बीच में रखेंगे, फिर सबको ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। अब ये सेव का ऑप्शन कहाँ पे सेव कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जाके डेस्कटॉप में न्यू ब्लॉक्स करके सेव आ गया, हाँ सेव कर दिए, ओके। लेकिन ये नेम ऑलरेडी एक नेम से है, हम लोग कुछ और नाम दे देते हैं, जैसे प्रोजेक्ट 008, ठीक है, डेस्कटॉप में कर देते हैं इस नेम से सेव। अब ओके, अब अगर ये खोलोगे 008 प्रोजेक्ट कहाँ है, तो सिर्फ यही प्लान आएगा। देखो इससे तुम्हारा सुविधा होगा, क्या होगा मैक्स में हम लोग को इतना जूम इन जूम आउट करने में प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम लोग फिर से जाएंगे रीसेट डोंट सेव, प्रेस कर दिए, यहाँ जाकर फिर इम्पोर्ट, क्या नाम रखे थे प्रोजेक्ट 008, ये न्यू था ना, अब हम लोग ओके कर दिए। अब देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लान आया, समझ में आया यहाँ पे कोई डाउट? यस सर। क्या डाउट है? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तो हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको मिड पॉइंट रख लेंगे, ये यहाँ पे इसका ज़ीरो में, इसका कोऑर्डिनेशन ज़ीरो में रख दिए, ठीक है। तुम चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, कंट्रोल जेड किए यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे सबको कर दोगे राइट क्लिक, ये ज़ीरो में आ गया, ये ज़ीरो में आ गया, ऐसे भी तुम कर सकते हो। अब देखो ये हम लोग आराम से कर सकते हैं। अच्छा ये ग्राफ कैसे हटाएंगे, ये जो ग्राफ है पता है किसी को? ये जो ग्राफ आ रहा है ग्राफ सर वहाँ पर ग्रिड को, हाँ ग्रिड को हटाना, कैसे हटाएंगे ग्रिड को? जी प्रेस करना पड़ेगा ना? जी जब भी बोलेंगे ग्रिड ऑफ करना, जी पहला वर्ड याद करोगे जी हट जाएगा, फिर इससे कैसे आएगा वो आएगा कैसे फिर से जी? हाँ हाँ ठीक है। तो हम लोग टॉप में जाते हैं, हम लोग अब करेंगे इसके ऊपर ट्रेसिंग, जैसे बना हुआ है हम लोग सेम ऐसे इसके ऊपर ट्रेसिंग करेंगे लाइन से। तो इसमें लाइन कहाँ है पता है, मैक्सिमम लाइन कहाँ है? इसमें इसमें एक ऑप्शन है जो थोड़ा सा ऑटो कैड का ऑप्शन इसमें है, जैसे लाइन सर्कल रेक्टेंगल ये सब सब इसमें भी है, तो कहाँ पे है? एसी समथिंग कुछ ऐसा नहीं, सिप्स है ना, ये देखो सिप्स में सब 2D का ऑप्शन मिलेगा तुमको, लाइन सर्कल आर्क टेक्स्ट सब चीज़ ये 2D का है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे लाइन, हम लोग अब इसका कलर पहले चेंज कर लेते हैं, ये कलर बहुत डीप लग रहा है, इसका कलर चेंज करेंगे यहाँ से थोड़ा हल्का। इसमें है वो सर कलर? नहीं नहीं वो लाइन तो लाइन सिप्स में है, दिखाते हो ठीक है, देख लीजिए सर अब तो ठीक लग रहा है। ये देखो ये सिप्स में ना सिक्स ज्योमेट्री के पास में ही है, लाइन में जाए, हाँ ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री के पास में सेप्स है, और यहाँ से भी लोग ले लिए लाइन, और हमेशा इसको ऑन कर लेना है। अगर ये ऑन नहीं करोगे स्नैपडॉन, हाँ तो देखो सपोज इसको हम ऑन नहीं किए, तो देखो अगर हम लोग चाह रहे इसको क्लिक करने का ऑप्शन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्लिक अच्छा से नहीं हो रहा है, देखो ऑटोमेटिकली नहीं हो जा रहा है। और इसमें अगर तुम ये ऑन कर लोगे तो ये हमेशा ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा सिलेक्शन में, इसमें बोलते हैं वर्टेक्स। इसमें अगर राइट क्लिक करके देखोगे तो देखो वर्टेक्स है, अगर कुछ और भी रहता तो हम लोग इसको कर देते क्लियर ऑल, इसमें से लेना है वर्टेक्स को, वर्टेक्स टू वर्टेक्स मैच हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग अच्छा से लाइन टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। सपोज को इसको हम ऑफ कर दिए, इसको हम किए लाइन और यहाँ पे क्लिक किए, अब जूम करके देखो कि वहाँ पर परफेक्टली नहीं आया है, अगर इसको ऑन रहेगा तो देखो परफेक्टली वहाँ पे चला जाएगा, जितना भी तुम करो कोशिश करो वो करने का फिर भी एकदम परफेक्ट है, जूम करके देखो एकदम परफेक्टली जगह पर टच हुआ, अपना पकड़ लेते हैं। जैसे ऑटो कैड में भी था हाँ वो स्नैप। तो हम लोग को करना क्या है, ट्रेसिंग कैसे करने का प्रोसेस होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्लिक किए, सेकंड क्लिक करेंगे, जहाँ जहाँ विंडो है यहाँ पे दो क्लिक करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट में, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ताकि हमारा जो विंडो एक बार में निकल जाएगा। तो जहाँ जहाँ विंडो है उसका दोनों साइड में क्लिक करेंगे, फर्स्ट कॉर्नर एंड लास्ट कॉर्नर, ठीक है। तो विंडो कहाँ है ये है, तो फर्स्ट एंड लास्ट, और बाकी फिर सीधा लाइन। तो हम लोग को सेम जैसे बना हम लोग ट्रेसिंग कर देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। जहाँ जहाँ विंडो हाँ दो क्लिक, बैल्कनी छोड़ देते हैं, ठीक है, बैल्कनी लास्ट में करेंगे, बैल्कनी अभी नहीं करेंगे, बैल्कनी आउट ऑफ सर्विस। हाँ तो इसको क्लिक कर लो, इसमें फिर इसमें डोर सर ये तो, हाँ डोर में भी फर्स्ट लास्ट, एक ब्रिज बन रहा है, इसके बाद कुछ नहीं है, फिर ये लास्ट। हाँ विंडो बालकनी है सर, बालकनी है, इधर का बैठने ले लो कोई दिक्कत नहीं।
हम लोग अगर सपोज कर भूल से अगर मेरे को यहाँ पे क्लिक हो गया, हम सोच ठीक कैसे करेंगे बैक स्पेस। हाँ बैक स्पेस, अच्छा बैक स्पेस, हाँ इसमें बैक स्पेस कर देना। अब फिर अंदर की तरफ जा रहे हैं, अंदर बोलो तो इधर में भी ये दीवार है तो कैबिनेट है। अच्छा ये दीवार है, हम लोग खाली ब्रिक्स वाल को सिलेक्ट कर रहे हैं। हाँ सिर्फ ब्रिक्स बना रहे हैं हम लोग। ये भी दीवार लेना, सड़क की बोलना कहाँ पे। हाँ ठीक तो है, सबको हाँ इसमें टाइम लगता है थोड़ा, बट ये करने से तुम्हारा टाइम फिर बाद में बहुत सेविंग होगा। और एक एक करके बॉक्स करके भी होगा, बॉक्स का और टाइम लगेगा सर। हाँ तो एक एक करके इंडिविजुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ इससे एक बार में सेव हो जाएगा, सिर्फ एक टाइम ही मेहनत लगेगा। यहाँ पे सिर्फ एक बार टाइम लग रहा है जो लग रहा है। ये सर 3D मॉडलिंग का लगा। हाँ मॉडलिंग वो जो सर किया ना मैं, कौन सा वाला सर? ऑटोकैड में ही। अच्छा वो 3D मॉडलिंग। हाँ हाँ मॉडलिंग उसी तरह है तो। हाँ उसी तरह, ये स्नैप टूल वो क्या बोलते हैं, पुल क्या, पुल प्रेस पुल सर। हाँ हाँ वो तो ऑटोकैड में है, वही ऑप्शन है सर ऑटोकैड में 3D मॉडलिंग। तुम चाहो तो ऑटोकैड में भी उठा के यहाँ पे ला सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी दिखा देंगे ऑटोकैड में एक्सट्रूड करके ना, तुम इसको भी यहाँ ला सकते हो। अच्छा ये इधर में भी एक कॉल है। अच्छा तो वहाँ पे सेव करके वहाँ पे इंपोर्ट जैसे ही ना सर। हाँ ये कॉलम है ना, नहीं कॉलम नहीं है, कॉलम का तुम हैच नहीं डाली हो। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट नहीं हो पाता सर टाइम पे, हम लोग हैचिंग क्या डालें। हाँ तुम लेट जाओगे तो क्या होगा, टाइम पे आओगे ना। वी हैव टू मेनी अदर वर्क्स ना सर। अच्छा हम लोग जो विंडो पे दो क्लिक किए उसका रीजन पता है क्यों किए, समझ में आया? अभी समझ नहीं आया, जब हम लोग करेंगे स्टूट तब। ये दीवार कहाँ है, ये भी दीवार है। फिर फाइनली यहाँ पे लास्ट जहाँ पे शुरू किए थे वहाँ ऐसे जैसे गेम की जैसा है, फर्स्ट में टिक करोगे घूमते घूमते वो लास्ट में तुमको टिक करना पड़ेगा तभी होगा। देखो यहाँ पे क्लिक करते ऑप्शन आएगा क्लोज स्प्लाइन, इसमें फिर यस करेंगे हम लोग। यस ठीक है, अब हम लोग चले जाएंगे कौन सा व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू में मूव लेके राइट क्लिक करना कन्वर्ट टू एयरटेल पॉली, तो ये ऑटोमेटिकली वो फिलअप हो गया जो जो हम लोग एरिया सिलेक्शन किए थे वो। एक बार और कंट्रोल कर दिए राइट, जैसे हम लोग जो उसके ऊपर ट्रेसिंग जो किए थे, ट्रेसिंग करने के बाद हम लोग आगे पर्सपेक्टिव व्यू में, उसके बाद हम लोग राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एयरटेल पॉली जो हम लोग करते हैं ये वाला पॉली। हाँ इसमें क्लिक करोगे तो जो हम लोग ट्रेसिंग किए थे वो ऑटोमेटिकली वो एरिया फिलअप हो गया, मतलब ब्रिक्स वॉल सिलेक्शन हो गया। पॉलीगन लेंगे इसको। हाँ अब यहाँ से हाँ वेरी गुड पॉलीगन लेंगे, अब सिलेक्ट करेंगे वॉल को ब्रिक्स वॉल को। ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे इसको हाइट देंगे, हाइट देंगे एग्जैक्टली। राइट क्लिक करके क्या करेंगे एक्सट्रूड, एक्सट्रूड ठीक है। सबसे पहले हम देंगे इसका विंडो का सिल हाइट कितना होता है बोलो तो, विंडो का सील हाइट होता है सर मतलब 33 फीट। हाँ 36 ले लेते हैं, 3 फीट ना सर। हाँ फिर 4 फीट फोर फीट उसके बाद फिर 3 फीट। हाँ वेरी गुड, फिर 3 फीट 36। तो हम लोग जो किए थे विंडो के पास दो क्लिक फर्स्ट लास्ट, वहाँ पे देखो एक लाइन बन गया, मतलब एक एज यहाँ पे क्रिएट हो गया ताकि हम लोग को दोबारा ना करना पड़े। देखो जहाँ जहाँ हम लोग विंडो लिए थे, सपोज करो विंडो यहाँ पता नहीं चला कहाँ पे विंडो, क्योंकि ब्रिक्स वाला आ गया तो विंडो कैसे देखेंगे हम लोग, कुछ पता है कैसे? F4 जैसे हम लोग को F4 प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो वायर फ्रेम हो जाएगा, सॉरी F3
देखो भाई जहाँ जहाँ विंडो हम लोग को दिख रहा है कि हाँ ये विंडो दो लाइन है ना, ऐसे दिख नहीं रहा है। हाँ हम विंडो F4 ना F3 मतलब वायर फ्रेम। हाँ वायर फ्रेम यहाँ से भी ऑप्शन है, यहाँ से भी तुम कर सकते हो देखो वायर फ्रेम। हाँ तुम फिर इसको कर दोगे शेडेड तो ऐसा हो जाएगा, फिर जाके कर दोगे वायर फ्रेम शॉर्टकट है वो। हाँ शॉर्टकट ही सही है ना। हाँ शॉर्टकट से करो अच्छा रहेगा। फिर हम लोग को विंडो कैसे वो आएगा बाहर, तो सर हम लोग को विंडो निकालना, जैसे हम लोग को यहाँ पे तो डिलीट करना है ये एरिया को, तो कैसे डिलीट करेंगे वो सीखे तो वो वाला सर। हाँ ब्रिज करके देखो इसमें नहीं वो उससे नहीं पॉलीगन से नहीं वो नहीं। क्या बोलते हैं बुलियन वाला बुलियन बुलियन नहीं बुलियन नहीं बुलियन से कर सकते लेकिन बुलियन वो टाइम लग जाएगा, ये एक बार में हो जाएगा। देखो सर काहे सिखाए वो बिता दे वो सीखना प्रोसेस है वो, उससे और बहुत सारा काम होता है, सबको अलग अलग काम होता है ना। ये देखो पहले इसको सिलेक्ट किए दोनों साइड में बोथ साइड। अब हम लोग क्या करेंगे देखो दोनों साइड सिलेक्ट किए ना। हाँ ये देखो ब्रिज में क्लिक करोगे वो अपने आप निकलेगा। ये तो बहुत अच्छा वही तो बेकार है। F4 से तुम्हारा जो जो एज है देखो नहीं दिख रहा है, हम लोग सिलेक्शन ऑफ कर दिए, देखो ऑफ कर दिए नहीं दिख रहा है ना। F4 प्रेस करके एज दिखने लगेगा। अच्छा हम लोग एज ऑन करके रखेंगे जब हम लोग काम करेंगे, और F3 करेंगे तो वो वायर फ्रेम हो जाएगा। F4 F3 तो हम लोग एक ही बार सबको विंडो सिलेक्शन कर लेते हैं, एक ही बार ये कर देंगे ब्रिज तो हट जाएगा। ठीक है सर विंडो ऑफ कहाँ पर देख लो, विंडो F3 करके हम लोग पहले कर लेते सिलेक्शन कर लेते सिर्फ हम लोग वाशरूम छोड़ के, मतलब कि तुम्हारा वेंटिलेटर वाला विंडो थोड़ा हाँ वाशरूम का विंडो तो हाइट अलग देना पड़ेगा। हाँ उसका हाइट अलग होगा। किचन का भी अलग होता है ना सर, किचन का हाँ दे सकते हो सेम भी होता है। जनरली किचन हाइट कितना होता है सर? 3 फीट के बाद ही होते हैं, 3 फीट 3.5 फीट हो जाते हैं, 1.5 फीट जोड़ दिया जाए। हाँ उतने ही रखो, उसके बाद देखो जो हम लोग का है ना और कहाँ विंडो है वो बेडरूम का ये है। अरे सर कैसे विंडो हो गया नहीं होता सर? ओ ये तो ऑलरेडी हो गया इसलिए इसलिए नहीं हो रहा। हाँ और हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा था सर उधर से। हाँ ये मैक्स है ना वायर है ना वो और कोई विंडो शायद नहीं सर, इसको हम लोग पहले ही कर देते हैं, देख लेंगे सर बाद में। नीचे ही है सर वो, ये भी शायद आई थिंक विंडो होगा देखते हैं। हाँ देखो ये विंडो है, दोनों तरफ से सिलेक्ट करना पड़ेगा सर जरूरी है। हाँ दोनों तरफ रहेगा तभी तो नहीं होगा। देखो हो गया, और आई थिंक कहाँ कहाँ विंडो है, ये जो बेल्कनी है ये विंडो। अब हम लोग को विंडो हो गया सपोज करो लगभग, अब हम लोग इसका ये कैसे करेंगे लिंटन हाइट ये जो है ना, इसको भी बहुत इजी है, बस क्या करेंगे पॉलीगन को पकड़ेंगे इधर में और इधर में, ब्रिज से कटता भी है और अपना जुटता भी है दोनों। हाँ। काम एक साथ में करता है, जैसे कोई कुछ चीज़ अगर डिवाइड किया हुआ है तो वो एक हो जाएगा कैसे वही ब्रिज से। देखो एक हो गया, वाह इधर क्लिक उधर क्लिक करोगे तो हो जाएगा, दोनों तरफ क्लिक किया उसके बाद जोड़ दिया। अगर खाली होगा तो सर वहाँ पे एग्जैक्टली उसके बाद ब्रिज करेंगे तो जुड़ जाएगा ना। हाँ इसमें भी देखो, इसको दिखाइए सर ये वाला, ये वाला दोनों तरफ क्लिक किया ना सर, दोनों तरफ। हाँ ये ओ ये बीच वाला पोर्शन। हाँ ब्रिज कर दो हो गया, क्रॉस सेक्शन सिलेक्ट करेंगे ना सर। हाँ बोथ साइड में लेकिन हाँ ये तो इजी है, अगर सपोज करो जहाँ नहीं रहेगा तो वहाँ क्या करो, सपोज करो यहाँ पे तो हम सिलेक्शन कर दिए ये साइड में और हम लोग सिलेक्शन के इधर में ये साइड में तो मोटा हो जाएगा सर। हाँ तो देखो ब्रिज करेंगे तो देखो क्या होगा इसका हाल, ऐसा हो गया नाइस सर। जब लोग इसमें क्या करेंगे सिर्फ एक तो सिलेक्शन करेंगे सिर्फ एक को, हाँ और कर देंगे एक्सट्रू, ये हो गया। यस सर देख ले लो वो कितना अपने आप ले लेगा ना सर। हाँ जहाँ जहाँ वो दो चीज़ में सिलेक्शन नहीं होता है ना सिर्फ एक साइड लो और कर दो एक्सट्रूड। इसमें कोई डाउट? इसमें सर हिसाब थोड़ा बन नहीं पाता लेकिन ठीक से, वो पॉइंट टू पॉइंट मिचता है मैच होता है सर, ये तो पॉइंट टू पॉइंट ही होगा। अगर तुम्हारा बेसी अंदर भी चला जाता तो कोई दिक्कत, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हो तुम्हारा प्लान में। हाँ प्लान देखो प्लान में यहाँ पे प्रॉब्लम है सर, क्योंकि ये दीवार थोड़ा सा और इधर आता है नहीं तो फिर ये ऐसे थोड़ी ना होगा टेढ़ा, ये जिसने बनाया सर उसको थोड़ा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग क्या कर सकते बोलो तो इसको थोड़ा सा मैं नहीं बनाया इसको थोड़ा सा हम लोग आगे कैसे करेंगे, सपोज यहाँ पे गलती हो गई तो फिर इसको हम ठीक कैसे करेंगे बताओ तो। कोई कैसे सपोज करो ये दीवार तो हम कर रहे हैं एक्सट्रूड तो हमारा ये चीज़ कहाँ है एक्सट्रूड ये रहा करना होगा। हाँ ये वॉल को हमको इधर लाना है तो कैसे लाएंगे कैसे लाएंगे सर? थोड़ा सा बढ़ा देते हैं सर। हाँ तो कैसे बढ़ाएंगे
हाँ तो सर वो एक्सट्रूड करके बढ़ा दीजिए ना थोड़ा सा। हाँ एक्सट्रूड से भी होगा या फिर ये वर्टेक्स को सिलेक्शन से भी होगा, वर्टेक्स को सिलेक्ट करके इसको आगे ले आओगे यहाँ तक, दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करके आगे ले जाएंगे। हाँ इसको फिर अगर तुम इसको ऊपर भी कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो क्यों, क्योंकि ये तो दिवाली यहाँ पे अल्टीमेटली ये दिवाली तो यहीं दिखाता ना। हाँ सर वो तो आता है, तो मैच हो गया, ये देखो मैच हो गया। अगर तुम इसका वर्टेक्स बंद कर दोगे तो समझ नहीं पाएगा कि यहाँ पे कुछ हुआ था। नहीं समझ पाया सर, मैच फिर भी हमें रिस्पॉन्ड कर दिए। ठीक है और कोई प्रॉब्लम? हम लोग सब कुछ पहले निकाल लेते हैं सबका। इसमें पॉलीगन पकड़ेंगे, इसको एक्सट्रूड करेंगे। कोई बात नहीं, सो रहा होगा। आप पीना तो था मैम, लेकिन तो कितना प्यास लगता है ठंडा में भी मैं और बाहर जाए, इसलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग इसको स्टूट कर दिए, सब कोई कर लेते। ठीक है फिर हम लोग इसका किचन का, लेकिन हम लोग इसका जो शेप अलग बनाएंगे, क्योंकि ये ओपन किचन है ना। रुको अभी पहले इसको लाश कर लेंगे तो, लेकिन ये हम लोग किए थे पूरा ही ला कर देते। हम लोग ये चीज़ किए थे ना यहाँ तक, हम लोग को तो यहाँ पे कर दे तो अच्छा होता, क्योंकि हम लोग तो अल्टीमेटली यहीं चलाना है। ये देखो फिर इसे एक्सट्रूड करेंगे, यहाँ तक टच होगा, समझे? सर कुछ समझ नहीं पाया मैं। हम लोग उस टाइम किए थे ना यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया था वाल को, तो हम लोग डायरेक्टली एक्सट्रूड करते यहाँ तक कर लेते, ये बीच में आ जाता, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे भी तो करना पड़ता ना। तो एक साथ में कर दिए पूरा, मैच हो गया। सिर्फ एक तुम लोग करना खाली किचन में, वो बनाना पड़ेगा। यहाँ तक सबका डाउट क्लियर हुआ? यस सर। देखो ये भी वॉल, ये कैबिनेट था ना। अच्छा हाँ कैबिनेट है, और ये तुम्हारा स्लाइडिंग है। हाँ किचन कहाँ है? ये किचन का हम लोग ये चीज़ हटाना होगा। हम लोग किचन में हम लोग को ये ऐसे करना होगा, राउंड वाला। क्यों सर? ओपन किचन में तो नहीं अच्छा होता, तो हम लोग इसको कर देते हैं डिलीट। हाँ सर राउंड ही अच्छा रहेगा सर। देखो डिलीट करने से क्या प्रॉब्लम हुआ, कुछ प्रॉब्लम पर समझ में आ रहा है? हाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे, देखो डिलीट करने से। हाँ ये देखो यहाँ पे हॉलो हो गया, मतलब गैप लगा दीवार इधर में भी जहाँ के लिए थे। क्यों सर ऐसा? क्योंकि उन्होंने उसको डिलीट कर दिया ना। हम लोग इसको गैप पे फिलअप कैसे करेंगे? इसको हम लोग ये लेंगे बॉर्डर को क्लिक करेंगे और कैप कर देंगे। देखो फिलअप हो गया। तुम लोग लिखना होगा इस सब, तुम लोग को याद रहेगा ये सब? सर वीडियो बना रहे हैं ना आप? वो वीडियो बन रहा है, पता नहीं बना रहे हैं ना। देखना पता नहीं। कैप कर लेते। हाँ अब हम लोग को ये कैसे बनाएंगे ये देखो। नहीं तो सर ना आप करिएगा ना, तो एक कॉपी में लिखते जाइएगा सर, बेस्ट। अच्छा पहले इस देख लो फिर लिखना, क्योंकि एक बार में थोड़ी समझ में आएगा, तुम 10 बार पूछोगे तो आराम से सबको याद हो जाएगा। तो हम लोग इसको हम लोग आर्क बनाएंगे, आर्क से करेंगे। हाँ आर्क वाला आर्क बनाते सर। हाँ ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, आर्क कहाँ मिलेगा? वही तुम्हारा शेप्स में आर्क, यहाँ से ड्रैग करोगे। अच्छा इसको ऑन कर लेंगे ऑटो ग्रिड को, और ये ऐसे क्लिक करोगे। सिर्फ तुम्हारे से क्या होता है, स्ट्रेट होता है लाइन, लेकिन लाइन होता है ये तुम्हारा आर्क है। आपको ऐसे करके इसको ऐसे कर लो, ठीक है? इतना आर्क चलेगा सर? टेढ़ा तो नहीं है ना वो, हम लोग कैसे समझेंगे बोलो तो? इस व्यू में जाएंगे, दूसरा व्यू में देख लो, प्ले सिलेक्ट कर लो। एलिवेशन ना सर किधर? मुझे लगता है ना सर वो प्लान बन गया। अरे देखो यहाँ पे, यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। देखो सीधे ही है ये, बड़ा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग उसको तो अंदर ही जाएगा ना, बल्टी बल्टी अंदर ही जाएगा। हम लोग यहाँ से लेंगे, अब इसको हम लोग को 3D बनाएंगे कैसे, ये वाला देख लो, एनेबल रेंडर एनेबल व्यू पोर्ट दोनों को ऑन कर रहेंगे। इसमें से लेंगे सर, ये मेरे दिमाग में एकदम नहीं घुसा एकदम। हाँ देखो बताते हैं, सपोज करो हम लोग कोई चीज़ दो लाइन लाइन में आर्क बनाया सर, वहाँ पे आर्क बनाया, बट उसके बाद ये जो ऑप्शन है उसी आर्क के नीचे है सर। हाँ मॉडिफाई में, हमेशा हमें मॉडिफाई में जाएगा, मॉडिफाई में जाएंगे तो वहाँ पर वो ऑप्शन मिल जाएगा एनेबल वाला। क्योंकि ये हम लोग को 2D है, ये अल्टीमेटली 2D हम लोग 3D बना रहे हैं, तो हम लोग को ये दोनों ऑन करते ही 3D बन जाएगा। ये रेंडर का मतलब हो गया, तुम अगर इसको ऑन भी कर दोगे तो ये 3D हो चुका है लेकिन दिख नहीं रहा है व्यू पोर्ट में,
तो वीपोर्ट में देखने के लिए हमको वीपोर्ट ऑन करना पड़ेगा। अच्छा मतलब ये रेंडर करने रेंडर तुमको दिखाया नहीं है, समझ में नहीं आया कभी, तुम दोनों ही ऑन कर लो ठीक है। जब रेंडर दिखाएंगे तो समझेगा रेंडर है क्या। फिर रेक्टेंगुलर में जाएंगे, इसका वैल्यू बढ़ा देंगे। अच्छा पहले क्या था वो सर, वो ऐसे ही था, इसको हम लोग ले लेंगे 5 इंची, 5 इंची का दीवार था, और ये वाला विड्थ को हम लोग बढ़ा लेंगे। वाओ सर नाइस, इतना ठीक है। ठीक है अब हम लोग कन्वर्ट टू एक्चुअल पॉली करेंगे। पॉलीन को पकड़ के पहले इसको हम लोग ठीक से रख देते हैं जगह पे। अभी भी सर ठीक से नहीं हुआ है लगता है। हाँ एक सेकेंड, 5 इंची दे रहेगा। ये कम से कम आ गई, ये एज देखो, एज एज देखो, टच नहीं हुआ, एज टच कराना है ठीक है। वही सर वही मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा तुम चाहो तो हल्का सा स्केल स्केल कर देंगे सर, इतना नहीं हल्का सा, थोड़ा सा मूव इतने ठीक है ना। यस सर, अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर लाइनिंग पे करेंगे। फिर कन्वर्ट टू एक्चुअल पॉली, पॉलीगॉन सबको एक एक कनेक्ट करते हैं कंट्रोल सी, सबको सेलेक्ट किया सर। हाँ जितना ऊपर का फेस है ना, कंट्रोल सी नहीं, कंट्रोल सी नहीं, कंट्रोल कंट्रोल दबा के सबको सेलेक्ट की, क्लिक किए, अब एक्सट्रूड कर दोगे ऐसे, शिफ्ट रहने से सर कॉपी ना। हाँ शिफ्ट से देखो ऐसे एक्सट्रूड कर लोगे ठीक है। अभी देखो ऊपर कैसे निकल के सोच, सीधा कैसे करेंगे, कैसा स्केल करेंगे, देखो ऊपर का ये चीज़ तो बराबर रहना चाहिए ना, ऊपर निकल के बेसिक स्केल में जाएंगे, इसको सीधा कर देंगे ऐसे, अब फिर इसको हम लोग कम कर देंगे बीच वाले से। हाँ अब कलर को मैच करा देंगे दोनों पकड़ के, या फिर इसको मैच कैसे देखो, कर पहले वाल को सेलेक्ट करना फिर सेलेक्ट करना, और फिर यहाँ पर कलर में जाके सिर्फ कुछ करना नहीं, सिर्फ ओके कर देना, देखो एक हो गया, A4 प्रेस करो तो ऐसा हो जाएगा। देखिए सर थोड़ा सा हल्का ऊपर है, वो कैसे लगा चलेगा, वो तो सर पता अलग चला पता चला। ये वर्टेक्स को ऑन करके हम लोग करेंगे, देखो इसको हम लोग ले लेंगे, इसको एज वर्टेक्स को उस तरफ वाला कोना लीजिए सर, थोड़ा सा बाहर लेके जाओ ऐसे बाहर, और इसको पॉइंट को पकड़ के इसमें टच करा दो, एकदम परफेक्टली हो गया। अब इसको ऑफ करो, F4 प्रेस करो, लेकिन अभी सर नीचे वाला देखिए आउट हो गया, ये कोना है देखो, इसको भी सर वो कोना को पकड़ के करवा। हाँ ये कोना को देखो क्या करेंगे, ये वर्टेक्स पकड़ेंगे, थोड़ा सा हम लोग स्नैपडॉल बंद करके, क्या ऑफ किया सर, स्नैप कॉन करके एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, अच्छा स्नैप टॉगल सॉरी वर्टेक्स को, वर्टेक्स को सेलेक्ट किया उसके बाद ऐसे कर दिया। हाँ हाँ सर अब पता नहीं चल रहा, लेकिन अब हम लोग का ये हो गया है, अब हम लोग विंडो कैसे लगाएंगे, लेकिन सर कलर बदल देते तो अच्छा रहता है, कलर चेंज कर देना, लाल ज़्यादा लग रहा है। हाँ ये थोड़ा डीप कलर हो गया, थोड़ा हल्का लग देते हैं। हाँ ठीक है सर, अब हम लोग को विंडो यहाँ पे तुमको लोग दिखाएं विंडो कैसे लगाना है, लगा सकते हो। अच्छा कैसे लगाना है सर, ठीक है तो दिखा देते हैं विंडो आटो डोर दिखा देते, ठीक है बाकी तुम लोग करना। ये देखो विंडो तुमको मिलेगा यहीं पे, यहाँ पे तुम्हारा विंडो है और स्लाइडिंग लेना, स्लाइडिंग लेंगे, स्लाइडिंग करेंगे, बस को क्लिक करना विंडो के पास और ड्रैग करना है, हाँ लेंथ, फिर माउस छोड़ देना, फिर विड्थ आएगा, हाइट, फिर हाइट आएगा, वेरी गुड। ओके सर अब इसको भी वर्टेक्स ऑन करके, नहीं वर्टेक्स नहीं, हम लोग यहीं से यहाँ पे ऑप्शन रहेगा मॉडिफाई में, यहाँ पे हाइट करना है, चेंज हाइट को कम करो, विड्थ को कम करो, एडजस्ट करके सब कुछ ठीक करो। अब ये देखो विंडो को हम लोग ओपन कर सकते हो, ओपन करने के लिए क्या करेंगे, ओपन बट ये देखो ऐसे ओपन हो रहा है, ऐसे ऐसा क्यों हो रहा है, विंडो ऐसा होता नहीं है स्लाइडिंग, बस में जा चढ़े हो, बस में ऐसे रहता है हम लोग का कोलकाता वाला, तो ये ठीक कैसे होगा ये विंडो को सर, उसको और नीचे ओरिजिनल कर दीजिए ना। हाँ वो तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ठीक करना है तो कैसे करेंगे, पैनल ओरिजिन नहीं, यहाँ पे ऑप्शन है हिंज का, देखो उसको क्लिक कर देंगे, ये देखो ठीक हो गया, हम मतलब कट गया वो पहले, अगर ये तुम ऑप्शन भूल जाते हो तो वही रोटेट से कर लेना, रोटेट से, बट इससे करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा सर, वो याद रहे तुमने, इसको क्लोज कर देते हैं।
तो विंडो अब दिखा दिए, अब तुमको दिखा देते एक डोर, सब उसका एक डोर बनाना तुमको एक रूम में, ये रूम में हम लोग डोर बनाते हैं। कैसे डोर बनेगा? सेम विंडो का जैसा, विंडो में क्या है, विंडो के नीचे ही देखना आसपास में होगा डोर, ऊपर में है, इसको लेना है पाइवट डोर और हाँ इसको ऐसे क्लिक करके, बट यहाँ पे देखो ये दीवार देख लो यहाँ पर ठीक हो गया, यहाँ पर ठीक कैसे हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे इस दीवार को हम लोग एक्सट्रूड करेंगे, ये और ये इसका लेवल में करना होगा, जताओगे सर? हाँ वो जूम करके भी कर सकते हो, तो ज़्यादा है सही। अब हम लोग क्या लिए थे डोर, ज्योमेट्री में ना सर ये सब, हाँ टॉप व्यू से सीधा कर सकते हैं, टॉप व्यू में जाओ ऐसे को डोर टेढ़ा है, हाँ सर एंगल तो ई फॉर रोटेट होता है, सुनो सीधा कर लेते हैं ई फॉर रोटेट, हाँ डब्ल्यू ई आर याद रखना शॉर्टकट है, डब्ल्यू फॉर मूव, ई फॉर रोटेट, आर फॉर स्केल, तीनों ऑप्शन तीनों बटन तुम्हारा एक साथ में देखो डब्ल्यू ई आर कीबोर्ड का तो साथ में ही रहेगा, ये अच्छा बात बताया हमने, तीनों ऑप्शन बहुत काम का है, बहुत यूज होता है। इसमें भी सेम तुम इसको डोर को ऑन ऑफ कर मतलब कि ओपन कर सकती हो देखो इधर से, लेकिन हम लोग डोर गलत जगह ओपन हो रहा है देखो, हमेशा दीवार में होता है डोर ना, क्या करें सर? तो हम लोग क्या करते हैं इसमें एक ऑप्शन भी रहता है फ्लिप स्विंग का, देखो ऑन कर दो इधर में हो गया, इसको ऑन करो इधर में हो गया, फ्लिप हिंज, हाँ मतलब साइड डोर जाएगा, साइड डोर में चला गया, फिर से करेंगे तो सर नहीं उधर चला जाएगा, हाँ और डबल डोर कर देंगे तो वो सर दो डोर आ जाएगा, दो पल्ला हो जाएगा, हाँ ये बेसिकली रहता है ज़्यादा नहीं, देखो दो पल्ला का हो गया, इसको बंद करो, अब रहने दीजिए पुराना हो गया सर, सिंगल ही रहता है सर, हाँ सिंगल ही देना चाहिए, ठीक है सिंगल से बहुत अच्छा रहता है, इसमें प्रॉब्लम होता है डबल डोर में, तो ये इतना सुनो करो जो तो डाउट्स को पूछना, क्योंकि तुम लोग का ये प्रोजेक्ट मैम दी है मेरा।